अफसोस ना खबर आपको सोनीपत से दे रहे हैं। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। देर रात तेज रफ्तार बेकाबू टैक्सी रजबाहे में गिर गई। हादसे में टैक्सी चालक और दो सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। तो तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सोनीपत के गांव नाहरा से सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क के पास खंभे से टकराकर राजबाहा में गिर गई। इसके बाद कैब चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई। चालक कैब में दो परिचितों को लेकर जा रहा था। सूचना के बाद पहुंची बरौटा चौकी पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही। नारा से माजरा रोड पे तो पश्चिमी उमरान अहर से एक रज बाहर निकल के इधर खेड़ी नारी गांव को होता हुआ सफियाबाद जाता है। इसमें खंबे से टकरा कर दिल्ली नंबर टैक्सी नंबर गाड़ी है जो कि खंबे से टकरा कर रजबाई में पलट गई है। इसमें तीन आदमियों की मौत हो रही है, ये सुनने में आया है, और जो कि पुलिस उनको लेके गई है। देखो अभी ये पता चला कि ये मल्ला माजरा से होते हुए नाराज से होते हुए भादरगढ़ की तरफ जा रहे थे, जो कि गाड़ी बड़ी चालक ने गाड़ी को बड़ी स्पीड में चला रखा, तो जो अमित गाड़ी होकर होकर गाड़ी ये इसे रजबे में गिर गई। ये पता चला भी संदीप ये जो कि टैक्सी चलाता था संदीप को, अच्छा, और इनके साथ जो शख्स अभी इनके परिवार से हमारा संपर्क हो चुका है, तो परिवार से पूछ के बताएंगे ये क्या कर रहे थे। तीनों की मौके पर मौत हुई है, तीनों की मौके पर मौत होगी, और तीनों की डेड बॉडी को हमने निकाल के वहाँ पे जीएच में पहुंची।